बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज सर सऊ और मैं आपको अपने चैनल सऊ सॉल्यूशन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला और इसकी एक्सरसाइज नंबर है 8.4 और आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा पेज नंबर है 314 क्वेश्चन नंबर 28 का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो बोर्ड पे सवाल लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ। फाइंड द इक्वेजन्स ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेजन है यानी एक से ज्यादा टेंजेंट होगा, टू द पैराबोला, पैराबोला की इक्वेजन दी हुई है वाई स्क्वायर इज टू 4x एंड द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सबसे पहले तो मैंने डायग्राम ड्रॉ की है पैराबोला की, जो इक्वेशन दी है y स्क्वायर टू 4x, तो इसका पैराबोला इस शक्ल में ऐसे ड्रॉ करेंगे आप, और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ये एरो डाल के ये पैराबोला को शो कर रहा है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैंने ड्रॉ किया इस तरीके से कि ये इसको तकरीबन टच करता हुआ जा रहा है और यहाँ पर ऐसे टच करता हुआ जा रहा है और ये बिल्कुल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और साथ ही साथ एक लाइन जो टेंजेंट है जो इस हाइपरबोला को टच करते हुए जा रही है, T1 का नाम दिया टेंजेंट T1 और इस पैराबोला को भी एक पॉइंट पर टच कर रही है। यहां पर भी T2 ड्रॉ किया टेंजेंट 2 जो हाइपरबोला और पैराबोला दोनों को टच करते हुए जा रही है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा हमें इन दोनों कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशंस मालूम करने हैं। अब आप यहां पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दिस इज कॉल्ड 1, इक्वेशन नंबर 1, इट इज ऑफ द फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये आपका बस 2 हो गया। कंपेयरिंग 1 एंड 2 देखिए x x से मिल रहा है, 4 a कोएफिशिएंट बराबर 4 के हो जाएगा, 4 a से 4, 4 से 4 कैंसिल, a की कीमत क्या होगी 1 होगी। अच्छा जी, अब याद रखिएगा कि जब भी y स्क्वायर 4x जो पैराबोला होता है इस पर टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म मैंने यहां पर लिखी, ये याद रखनी पड़ेगी आपको। एज वी नो दैट द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m, ये जनरल इक्वेशन होगी टेंजेंट की, किस पर, इस पैराबोला पर टच करती है, इज ऑलवेज टेंजेंट है टू द पैराबोला 2 पर, इस 2 इक्वेशन पर। अब देखिए a की वैल्यू हमने 1 निकाल ली है तो a की जगह 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू mx प्लस ये 1 अपॉन m हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। ये प्योरली आपके पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई। अब मसला ये है कि m की वैल्यू निकालना है। अब जरा और से देखिए, इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। अच्छा देखिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते किसे, आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन जो है ये होती है जनरल फॉर्म में, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये जनरल फॉर्म होती है किसकी, हाइपरबोला की इक्वेशन। अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू सेम हो जाए, अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू सेम हो जाए तो हम उस हाइपरबोला को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर आपको ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया जा रहा है जिसमें ए और बी की वैल्यू सेम है। ए और बी क्या कहलाता है, ए कहलाता है ट्रांसवर्स एक्सिस और बी कहलाता है कॉन्जुगेट एक्सिस, दोनों की वैल्यूज आपस में बराबर हो जाए तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। अच्छा जी, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। अच्छा, ये जो लाइन है ये इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को भी टच कर रही है यानी कि टेंजेंट है, तो हम ये लिखेंगे सो इक्वेशन नंबर 3 इज टेंजेंट है टू बोथ, दोनों पर, पैराबोला पे भी एंड हाइपरबोला पे भी, तो पुट 3 इन 4, 4 में पुट कर दीजिए, 4 इज इंप्लाइज दैट, अब देखिए पहले क्या y का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है mx plus 1 upon m, तो आपने लिखा mx plus 1 upon m का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4,
इसको आप बेटे ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे तो ए का स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी एम एक्स मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन एम प्लस बी का स्क्वायर वन अपॉन एम का स्क्वायर करेंगे तो वन अपॉन एम स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। देखिए एम से एम कैंसिल हो गया तो ये क्या बना एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एम तो कैंसिल हो गया प्लस वन अपॉन एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। एम स्क्वायर यहां पर क्या आ रहा है एलसीएम आ रहा है तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय एम स्क्वायर से हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें तो एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम स्क्वायर एम फोर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस टू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एम स्क्वायर एक्स प्लस जब वन अपॉन एम स्क्वायर को एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वन बच गया क्योंकि एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल माइनस एक्स स्क्वायर को एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ये आ गया इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई बाय एम स्क्वायर। अब जरा देखिए एक्स स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो एम फोर माइनस एम स्क्वायर बचा प्लस का टू एम स्क्वायर एक्स बचा अब प्लस का वन और ये प्लस का फोर एम स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का फोर एम स्क्वायर तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब यहां से हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम डेसिमल प्रॉपर्टी लगा के हम एम की वैल्यू निकालेंगे एम की वैल्यू निकालने के बाद इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे बारी बारी तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर हम इसको फर्दर मोर सॉल्व करते हैं। अब यहां पर मैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की वैल्यूज निकाल रहा हूं तो ए की वैल्यू हो जाएगी एम फोर माइनस एम स्क्वायर बी की वैल्यू हो जाएगी टू एम स्क्वायर और सी की वैल्यू हो जाएगी वन माइनस फोर एम स्क्वायर। ठीक है यहां पे यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी लगाइए तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हो जाएगा और आपको पता है कि d की वैल्यू जीरो रखनी है यहाँ पे जीरो क्यों लिखनी है क्योंकि लाइन जो है टच कर रही है टच दी कर्व कर्व मैंने इसलिए इस्तेमाल कर लिया कि जाहिर सी बात है पैराबोला भी एक कर्व है और हाइपरबोला भी कर्व है। ठीक है अच्छा अब यहाँ पे मैं जीरो की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और बी का स्क्वायर तो टू एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का फोर एम की पावर फोर माइनस एम स्क्वायर और सी सी की वैल्यू है वन माइनस का फोर एम स्क्वायर। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा अब जरा देखिए अब यहां पर जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया जीरो फोर एम की पावर फोर अब देखिए माइनस फोर इन बैकेज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एम फोर मल्टीप्लाई बाय वन एम की पावर फोर हो जाएगा माइनस का फोर एम की पावर सिक्स हो जाएगा फिर माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस फोर एम पावर फोर। अब जीरो इज इक्वल टू फोर एम की पावर फोर इसको मल्टीप्लाई करें माइनस फोर एम की पावर फोर प्लस का फोर फोर जो सिक्सटीन एम की पावर सिक्स माइनस प्लस फोर एम स्क्वायर और माइनस का फोर फोर जो सिक्सटीन और m की पावर 4।
अब आप देख लीजिए कि कौन सी टर्म आपसे कैंसिल आउट हो रही है, पहले तो ये हो रही है, ठीक है। अब आप ये काम करें कि 0 इज इक्वल टू 16 n की पावर 6 और प्लस का 4 n स्क्वायर माइनस का 16 n की पावर 4। देखिए m स्क्वायर से डिवाइड करें और 4 से भी डिवाइड करें, तो मैं यहां का क्वेश्चन रिमूव कर रहा हूं। तो यहां पर आप एक काम करें, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी वो y इज इक्वल टू mx प्लस 1 ओवर m, इसको याद रखिएगा। अच्छा अब मैं यहां पर डिवाइड करता हूं, डिवाइड बोथ साइड बाय 4m स्क्वायर। जब 4m स्क्वायर से डिवाइड किया तो 0 इज इक्वल टू 4 4 इज 16, m स्क्वायर बचेगा, m 4 बचेगा, प्लस 4m स्क्वायर से डिवाइड किया प्लस का 1 बचा, ठीक है, माइनस का 4 4 16 और m स्क्वायर बचेगा। इसको आप अरेंज कर लीजिए, 0 इज इक्वल टू ये आपका 2m स्क्वायर का स्क्वायर बन गया, इसको ब्रेक करेंगे माइनस 2 इंटू 2m स्क्वायर इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। अब यहां पे देखिए ये फॉर्मूले के तरह बंद हो गया, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो देखिएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मूले के तरह बंद करेंगे, 2m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे, स्क्वायर रूट 0 बना इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 1, 0 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो 0 हो गया इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1, 2m स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड करेगा 1 अपॉन 2m स्क्वायर। स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2 और m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 है। ये m की दो वैल्यूज आ गई, इनको बारी बारी हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे जो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन थी और हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आ जाएगी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर मैं बाकी का सॉल्यूशन करता हूं। मैं यहां का रिमूव कर रहा हूं, अब मैं यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं व्हेन m इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पुट in equation number 3. 3 is implies that y is equal to mx, m की value 1 upon root 2, x plus 1 upon m, y is equal to x upon root 2 plus reverse हो जाएगा, ये under root 2 हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो सेम रूट मल्टीप्लाई होंगे तो x प्लस रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू टू अपॉन रूट टू, रूट टू यहाँ पे डिवाइड कर रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई वाई से करेगा, रूट टू ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, इसको आप इधर शिफ्ट करें x माइनस रूट टू ऑफ वाई प्लस
टू इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास एक इक्वेशन ऑफ एंटेना देंगे। अब इसी तरीके से हम सेकंड वाली भी मालूम करते हैं, अब यहां पे देखिए मैं हेडिंग डालता हूं व्हेन एम इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन रूट टू कोटेंट थ्री, तो थ्री इज इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन रूट टू एक्स प्लस वन अपॉन माइनस वन अपॉन रूट टू। अब आप देखिए वाई इज इक्वल टू माइनस का एक्स अपॉन रूट टू, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट टू रिवर्स हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले ले स्टूडेंट्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस का टू ओवर रूट टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा रूट टू ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू, ये एरो का मतलब इधर शिफ्ट कर दें, एक्स प्लस रूट टू ऑफ वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम अपना आज का वीडियो लेक्चर एंड करते हैं। नए सवाल के जानने के लिए आप देखते रहिए सम सॉल्यूशंस, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाइए।